आज हम अपने फोर्थ चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम बेसिकली जो चीज़ स्टडी कर रहे थे वो थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। डिफरेंट टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड्स के अंदर। बेसिकली चैप्टर हमारा लिक्विड्स से रिलेटेड है, तो हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं और उनके अंदर मौजूद फोर्सेस की, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हमने जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई हैं दोस्त, वो डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब जो एक और मेजर फोर्सेस है जो कि लिक्विड्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए, जैसे डाइपोल डाइपोल मोमेंट में क्या था कि हमारे पास दो एटम्स होते थे एक मॉलिक्यूल के अंदर, और अगर उनमें से एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक उसकी निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके अंदर दो पोल्स बन जाते थे जो कि दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते थे। सेम काम होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी नंबर वन, और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी। तो जब भी किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच होगी, तो हमारे पास जो बॉन्डिंग बनेगी दैट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको सबसे अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल है वाटर की। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद टू हाइड्रोजन एटम्स। अब अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से इसको स्टडी करें इन चीज़ों को, तो ऑक्सीजन जो है उसके पास दो लोन पेयर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। टू लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब इस लोन पेयर होने की वजह से, और ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत, तो वाटर एक पोलर कंपाउंड होता है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारे पास जो डाइपोल डाइपोल मोमेंट थी उसमें भी यही कुछ हो रहा था और यहाँ पर भी यही कुछ हो रहा है, लेकिन ये जो उनकी बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये स्ट्रॉन्ग होती है देन डाइपोल डाइपोल मोमेंट। इट इज़ स्ट्रोंगर देन डाइपोल डाइपोल। अब क्या होता है कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास दो लोन पेयर मौजूद हैं और इसके ऊपर पार्शियल जो है वो नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये क्या करेगा, अपने इर्द गिर्द जो से सराउंडिंग वाले वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ऑक्सीजन जो है उनकी हाइड्रोजन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगी। ये ऑक्सीजन और ये पूरा वाटर का मॉलिक्यूल, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपनी सराउंडिंग में मौजूद दो जो उनसे और वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके साथ एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगी। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाएगी, क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर मौजूद हैं, ये दो बॉन्ड जो उनसे है वो बना सकती है। इसी तरह जो उनसे है ये वाले हाइड्रोजन जो उनसे है ये यहाँ पे किसी और ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाए हुए होंगे। तो ये एक जो वाटर का मॉलिक्यूल था, एक वाटर का मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होती है ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो उनसे हैं वो बनाती है। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, दो लोन पेयर होने की वजह से दो जगह पे ये जो उनसा है बॉन्ड वो बना लेता है अपने लोन पेयर को यूज़ करते हुए। तो ये जो है सिंपल डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। वो कह रहा है जी कि आपके पास 20% जो है स्ट्रॉन्ग होता है कोवलेंट बॉन्ड की निस्बत। अगर कोवलेंट बॉन्ड 100% है तो उसका 20% स्ट्रॉन्ग जो होता है आपके पास ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और इसकी वजह क्या होती है कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन छोटा सा एटम होता है, ये अपने इर्द गिर्द जो है इसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग वाले जो उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके साथ
अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग लिंकेज जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं वो हमारे पास जो है वजूद में आ जाता है। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम डेफिनेशन अगर स्टडी करें तो वो कहते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है जो चार्जेस को आपस में अट्रैक्शन की वजह से जो बन जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिटवीन किसके दरमियान होगी? अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कोई भी एटम जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम। पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम के एक हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ एक ऐसा एटम जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो होगी डेफिनेशन और हमने बेसिक उसकी जो थी है वो समझ ली। अब आगे कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा है। एक एग्जांपल आपकी बुक में वो मेंशन कर रहा है जी क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के दरमियान। क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl3 को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये आपका हाइड्रोजन जो है ये अब बॉन्ड बनाएगा जब ये एसीटोन के साथ मिक्स होगा। एसीटोन का फॉर्मूला है जी दिस 1 2, और कार्बन की 4 होती है तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा। ये एसीटोन है, दिस इज एसीटोन एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म। तो ये हाइड्रोजन और ये इसका ऑक्सीजन चूंकि पार्शियल नेगेटिव होगा तो ये आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बना लेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। अब वो कह रहे हैं जी कि ये जो उनसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं ये इनमें कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो कि, क्योंकि इसमें भी दो एग्जांपल हमने स्टडी की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सही है। तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सही है। अब और कौन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं? उनमें से एक है फ्लोरीन, उसकी एग्जांपल अभी आएगी, और नाइट्रोजन। ये दोनों भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो उनकी है वो ज़्यादा होती है और ये जो उनसे हैं आपके पास बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं। अब फ्लोरीन एक आपके पास एसिड होता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड विच इज HF। अब फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये जो सा है आपके पास बॉन्ड बनाएगी दूसरी सराउंडिंग में मौजूद हाइड्रोजन के साथ। ये फ्लोरीन से रिलेटेड एग्जांपल होगी। इसी तरह आपके पास अमोनिया है NH3, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जो सी हैं वो अटैच्ड हैं। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन जो से हैं सराउंडिंग में मौजूद नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड जो सा है वो बना लेंगे। तो ये नाइट्रोजन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये उससे रिलेटेड जो सी है वो एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे वो ये बात करता है कि अब अगर आप देखें ना 7th ग्रुप को जो कि हेलोजेंस का ग्रुप है, हेलोजेंस वो होता है जी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब ये सारे एसिड्स बनाते हैं, जब इनको इनके अगर हम हाइड्राइड स्टडी करें, अगर इनको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें तो एसिड्स बना देते हैं HCl HBr HF। अब वो कहता है जी कि जो आपका HCl है अगर आपको पता हो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से एक है। अब एसिड की अगर आपको डेफिनेशन अपनी छोटी क्लासेस में याद हो तो वो ये थी कि एसिड वो होता है जो कि जल्दी से, अगर ये HCl है तो ये जितनी जल्दी अपना हाइड्रोजन एटम अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब है कि ये अपना प्रोटॉन अपना हाइड्रोजन बहुत जल्दी दे देता है। जबकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन HF जो है इसको इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, ये HF इज़ लेस स्ट्रॉन्ग देन HCl। उसकी वजह ये है कि इसके
जो हाइड्रोजन है ये आसानी से इस वजह से नहीं दे सकता HF, क्योंकि ये इर्द गिर्द के सराउंडिंग मॉलिक्यूल से इसको अट्रैक्शन हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ये भी एक वजह है कि HF की जो सी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लो है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की और उनकी कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपकी बुक में वो स्टडी करने जा रहा है, दैट इज़ थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी। थर्मोडाइनामिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन का होना जो उनसा है वो ज़रूरी है। अब वो कहता है जी कि हम ग्रुप 4A, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें, 6A, 5A और 7A के हम हाइड्राइड्स को जो उनसा है वो स्टडी करते हैं, उनके ग्राफ। अगर आप अपनी बुक में देखें तो ग्राफ आपके पास बने भी हुए हैं। एक साइड पे जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर उसने बॉइलिंग पॉइंट ले लिया हुआ है, और इसके ऊपर उनका पीरियड नंबर ले लिया हुआ है। पीरियड नंबर आपको पेरियड टेबल से जो है वो पता लग जाएगा। वो कह रहा है जी अगर आप इनको देखें, इनके ग्राफ के ट्रेंड को और इनके बॉइलिंग पॉइंट को, तो पता ये चलता है कि जो उनसे बॉइलिंग पॉइंट है ना इस ग्रुप के, 4A ग्रुप के, वो बहुत कम है इनकी निस्बत। क्यों कम है? क्योंकि इनके अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके जो उनसे बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इस ग्रुप की निस्बत ज़्यादा हैं। ये तो बात हो गई हमारी इससे रिलेटेड के जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी बॉइलिंग पॉइंट, उतने उनके जो उनसे हैं वो ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर एक और बात आती है, आगे जब आप चलेंगे 5th, 6th और 7th ग्रुप में, तो वो जो सबसे पहले हैं 6th, अगर आप उसको ग्रुप पीरियड्स को देखें तो 5th के अंदर सबसे पहला जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नाइट्रोजन है, नेक्स्ट ग्रुप में ऑक्सीजन है, और उससे नेक्स्ट में फ्लोरीन है। ये आपके पास ग्रुप 5th है, ये 5th, ये आपके पास 6th और ये आपके पास 7th ग्रुप्स हैं। ये सबसे पहले पहले इनके ग्रुप के अंदर एलिमेंट हैं। अब इनके अगर हम हाइड्राइड देखें तो इसका होता है अमोनिया, ऑक्सीजन का होता है वाटर, और इसका होता है HF। अब अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इसका सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए, इसका उससे ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसकी वजह वो ये बता रहा है। अब देखो ये जो है 6th ग्रुप है, ये 7th ग्रुप है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से, लिहाजा जो HF है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए H2O की निस्बत। और जब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर होना चाहिए, इट शुड बी हायर, मगर ऐसा होता नहीं है। इसके बॉइलिंग पॉइंट की निस्बत इसको होना तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यही कह रही है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो HF से ज़्यादा होता है। उसकी सिंपल वजह ये है कि अभी हमने दोनों के स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, ऑक्सीजन वाले हाइड्राइड यानी वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड का। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जबकि इसके केस में ये एक ही बॉन्ड बनाती है। अब जाहिर सी बात है इसके पास दो बॉन्ड हैं और इसके पास एक बॉन्ड है, तो फ्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद इसके पास दो बॉन्ड हैं, इस वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो HF से ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट भी जो है आपकी बुक में वो थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है। आगे अमोनिया के अंदर भी एक ही एक एक जो एटम है वो एक वक्त में एक, मतलब जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि अमोनिया के पास जो है लोन पेयर एक होता है। अब अगर हम ग्रुप में बात करें HCl और HBr की, तो वो कहता है जी HCl का जो है बॉइलिंग पॉइंट, HCl मतलब क्लोरीन ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है ग्रुप के अंदर, ग्रुप ये है
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो जो HCl है इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो HBr से जो है वो ज़्यादा होता है, HBr। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा है, ज़्यादा इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा HCl जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो सा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है HBr के निस्बत। तो ये थोड़ी सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज थी। थर्मोडायनामिक जब भी कोई चीज़ आए, थर्म थर्म जब भी आप कहीं पे सुने, थर्म से रिलेटेड होती है हीट, हीट की बात हो रही होती है। थर्मोडायनामिक्स का मतलब है उसके बॉइलिंग पॉइंट्स को हमने बेसिकली स्टडी किया है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सोलुबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, सोलुबिलिटी। आपको पता है कि जो सोलुबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, एक रूल को फॉलो करती है, और रूल ये है कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं वो एक जैसी चीज़ों को डिजोल्व करती हैं। रूल इज़ लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब जो चीज़ें एक जैसी हैं वो अपने जैसी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल हम लेते हैं ना, तो ऑयल को अगर मैं वाटर में मिक्स कर दूं तो वो मिक्स नहीं होता, लेकिन उसी ऑयल को अगर मैं किसी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करूं तो वो डिजोल्व हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, दोनों जो होते हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तो वो कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सिमिलैरिटी हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक सिमिलैरिटी हो दो कंपाउंड्स के अंदर, तो वो भी आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे। इसकी वजह से सोलुबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं मॉलिक्यूल आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल ही C2H5OH, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और दूसरी तरफ मैं ले लेता हूँ वाटर, वाटर इज़ इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो असूल तो ये कहता है कि इनको आपस में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, लेकिन जो हमारा ये रूल है कि कोई ना कोई सिमिलैरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन होगी तभी वो डिसॉल्व होंगे। तो ये वाटर और अल्कोहल जो हैं वो डिसॉल्व आपस में हो जाते हैं, और उसकी वजह ये है कि इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो मौजूद होती है, ये आपस में जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं। इसी तरह वो कहते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जैसे CH3COOH है एसिटिक एसिड, ये जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। उसकी वजह भी क्या है कि इनके अंदर सिमिलैरिटी इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो कह रहे हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर मौजूद होगी किसी दो डिफरेंट कंपाउंड्स में तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व इजीली हो सकेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ आइस, अभी हमने बात की कि एक हाइड्रोजन जो है, ए वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, और वो दो लोन पेयर जो होते हैं दो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो जो कह रहा है जी कि जो वाटर का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल इज दैट स्ट्रक्चर जिसके अंदर फोर साइड्स होती हैं, टेट्रा फोर 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 साइड्स। अब एटम्स जो होते हैं वो तीन हैं, और ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल कैसे हो सकता है, उसकी वजह यही है कि जो उनसे ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स होते हैं वो रिमेनिंग जो उनसे हैं कॉर्नर, दो कॉर्नर बच गए ना, एक दो कॉर्नर तो ये हैं, तो जो बाकी के दो कॉर्नर हैं वो इन लोन पेयर्स से ऑक्यूपाई होते हैं। वो कहते हैं जी लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन जो उनसे हैं ऑक्यूपाई करते हैं द टू कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब ये तो वाटर की बात हो गई। अब जिस वक्त हम उसकी उसको ठंडा करते हैं या आइस बनती है, या जब हम सॉलिड की तरफ जाते हैं वाटर के स्ट्रक्चर को अब हम स्टडी करेंगे, तो क्या होता है कि आइस जो होती है मॉलिक्यूल्स, अब एक जो बेसिक डिफरेंस है लिक्विड में और सॉलिड में वो ये है,
आपको पता ही है कि इनके जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते. इनके मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में मूव करते हैं. तो जब एक चीज़ लिक्विड से सॉलिड में जा रही होती है तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आके अरेंज होना शुरू हो जाते हैं. अब ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, जब ये आके सॉलिड की शक्ल में जब इसको हम ठंडा करेंगे तो वो उनके अंदर एक रेगुलैरिटी आना शुरू हो जाएगी. और जब रेगुलैरिटी इसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया और इसी तरह ये एक्सटेंड करेगा आगे चल के यूँ, तो ये दरमियान में जो सी हैं एम्प्टी स्पेसेस आपके पास बन जाएंगी. इन एम्प्टी स्पेसेस में क्या होगा, इन एम्प्टी स्पेसेस में एयर होगी. और ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं यही वजह है कि आपकी जो सी आइस होती है वो जो सी है आपके लिक्विड वाटर से हल्की होती है. क्यों? क्योंकि उसका अंदर एम्प्टी स्पेसेस मौजूद होती हैं. अगर कभी आपने नोटिस किया हो कि आप जो है अगर एक बर्तन में वाटर ले के, ये वाटर की सरफेस थी, आपने इस वाटर को उठा के फ्रिज में रखा और जब आपने इसको आइस बन गई ये, जब आपने आइस बनी को निकाला तो ये बिल्कुल प्लेन आइस यूं होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है. ये यूं होती है, थोड़ी सी ना इसका वॉल्यूम बड़ा होता है. अब ये वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा कहाँ से आया? पानी तो इतना था, पानी तो ये था, ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ये वाला, ये कहाँ से आया? तो ये वही है कि जब वाटर आपका लिक्विड स्टेट से सॉलिड में जाता है तो अंदर जो उनकी एम्प्टी स्पेसेस हैं वो उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ा देती हैं. अब आइस का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई, ठीक हो गया. वॉल्यूम जब बढ़ाएंगे किसी चीज़ का तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. यही वजह है कि जब आप एक ग्लास के अंदर बर्फ़ के क्यूब्स डालते हैं तो वो उसके नीचे जाके बैठते नहीं हैं, डूबते नहीं हैं, वो वाटर की सरफेस पे रहते हैं. क्यों? क्योंकि वाटर की सरफेस पे रहने की वजह ये है कि लिक्विड वाटर से आइस आपकी हल्की होती है, उसकी डेंसिटी जो सी है वो कम होती है. इसी वजह से जो आपकी आइस होती है वो फ्लो करती है. अब 9% जो है ना वॉल्यूम आपका, ये आपके बुक में भी फिगर दिया हुआ है, आपको वैसे भी याद होना चाहिए. 9% वॉल्यूम जो है आपका बढ़ जाता है वाटर का आइस बनते वक्त. अगर आपने 100 ml वाटर लिया है तो जब वो आइस बनेगा तो उसका वॉल्यूम 109 ml हो गया होगा. 9% जो है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ आ जाता है. वो इंक्रीज़ आने की वजह क्या है? वो इंक्रीज़ आने की वजह यही है कि आपके ऑक्सीजन के जो दो लोन पेयर थे और इन्होंने जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हुए थे उनकी वजह से दरमियान में एयर स्पेसिंग आ गई. ये तो इसका स्ट्रक्चर था. अब हम देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है हमें बड़े लेवल के ऊपर. वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए हुए हैं. वो ये है कि वो जब आप किसी भी लिक्विड को कूल करते हैं तो उसकी जो सी डेंसिटी है वो क्या हो रही होती है? ठंडा करने पर उसकी डेंसिटी जो सी है वो बढ़ती है, इंक्रीज़ करती है. ऐसे ही है, आप किसी चीज़ को ठंडा करें, वो ठंडा करने पे चीज़ें जो हैं वो सिकुड़ती हैं और गर्म करने पे जो फैलती हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड्स को जब हम ठंडा करते हैं ना उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है. अब वाटर है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, दिस इज़ वाटर. वाटर को आपने ठंडा किया, ठंडा किया, ये आ गया 4 degree C के ऊपर. अब यहाँ पे आके वाटर के अंदर कुदरत ने एक ख़ास बात रखी हुई है कि 4 degree C पे इसकी मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है. अब 4 से जब आप इसको मज़ीद ठंडा करेंगे 0 degree C के ऊपर, तो नॉर्मली लिक्विड को ठंडा कर रहे हैं तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, 4 से 0 पे इसकी डेंसिटी और भी बढ़ जानी चाहिए. लेकिन वाटर के अंदर एक ऐसी बात है कि 4 degree C के ऊपर ये मैक्सिमम डेंसिटी शो करता है और 4 degree के बाद जब इसका टेम्परेचर मज़ीद कम करें, इसको मज़ीद ठंडा करें, तो इसकी डेंसिटी जो सी है वो बजाय के बढ़ने के जो सी है वो कम हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है. अब इससे फ़ायदा क्या होता है? ये सपोज़ कर लें कि आपका पास एक समुंदर है जो कि समुंदर के अंदर वाटर की लेयर है. अब क्या होगा कि आपका जो सा ये सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर इज़ 4 degree C, जैसे ये 4 degree C पे आएगा इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. जैसे ही मैक्सिमम डेंसिटी होगी ये वाला सरफेस वाला वाटर जो है ये नीचे आ जाएगा, इसकी जगह नीचे से पानी लेगा. अब क्या होगा, बाहर जो टेम्परेचर है सरफेस के ऊपर वो मज़ीद, वो माइनस हम कह लेते हैं 10 के ऊपर है, समुंदर जब जम जाता है
अब ये वाला जो वाटर है, ये जैसे ही गर्म होके आएगा, ये वाला पानी ऊपर जाएगा और बाहर जो है टेम्परेचर सराउंडिंग का वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये बर्फ़ बन जाएगी। इसके बर्फ़ बनने से क्या होगा, ये बर्फ़ चूँकि हल्की होती है, ये लेयर जो होती है समुंदर की ऊपर ही रहेगी। अब जो आइस होती है, आइस जो है हीट की इंसुलेटर होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपकी जो सी आइस है वो अपने अंदर से हीट को पास आउट नहीं होने देती। ये जो अब लेयर समुंदर के ऊपर जम गई है, अब बाहर ये -10 से चाहे -50 पे भी चला जाए, नीचे जो लिक्विड वाटर है वो 4 डिग्री C या 0 से कम के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, और उसके अंदर मौजूद जितनी भी फिशेज हैं या प्लांट्स हैं या जितनी भी लाइफ समुंदर के अंदर है वो एग्जिस्ट करती है, इवन के ठंडे तरीन मौसम में। क्यों? क्योंकि समुंदर ऊपर से जम जाता है, ऊपर उसके बर्फ़ की लेयर बन जाती है और नीचे पानी लिक्विड ही रहता है। तो ये नेचुरली ये कुदरत का निज़ाम है कि 4 डिग्री C पे वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो ये आइस ऑफ स्ट्रक्चर को हमने इसीलिए स्टडी किया है कि हमें पता चले कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ओवरऑल इक्वेटिक लाइफ के लिए किस कदर इम्पोर्टेंट है, और वो इक्वेटिक लाइफ के ऊपर हमारे ह्यूमंस की फूड भी डिपेंड कर रही है। वहाँ से कितना ठंडे समुंदर का जानवर होता है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है फूड के तौर पर, तो वो भी जो है इसी पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन जो है वो आ जाती है क्लिनजिंग एक्शन में। अब ये क्लिनजिंग एक्शन क्या होता है, आप अपने कपड़े जो है वो धोते हैं कोई सोप से या डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो ये जो आपके कपड़ों में से जो ग्रीस को या जो गंदगी को या मैल को अलहदा करने का अमल होता है, उसकी वजह भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होता क्या है कि जो आपका डिटर्जेंट होता है जो आप इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो होता है एक पार्ट पोलर पार्ट होता है, वो बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल होता है। वो जो पोलर मॉलिक्यूल है वो अंदर जाके ग्रीस से या जो मैल से या जो भी चीज़ होती है उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बना लेता है, और जब आप वाटर के थ्रू उसको रिमूव करते हैं तो ये डिटर्जेंट जो डिसॉल्व कर लेता है इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। जब आप पानी बहाते हैं ये डिटर्जेंट भी बह जाता है साथ, लेकिन उसने इसके साथ बॉन्ड बनाया होता है, ये कपड़ों में से उस गंद को भी अपने साथ निकाल के ले जाता है, और नतीजे में क्या होता है आपका कपड़ा साफ़ हो जाता है। तो ये जो क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप्स का या डिटर्जेंट्स का होता है हमारे पास डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, वो किस वजह से होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है जी बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के अंदर। हमारी जो सी लाइफ है वो एग्जिस्ट कर रही है किसके ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। आपको पता है कि हमारे अंदर प्रोटीन्स जो सी हैं वो प्रोटीन्स के बगैर सिंपल इतनी इंपॉर्टेंस है कि इनके बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रोटीन्स होती हैं हमारे पास वो भी उनका जो स्ट्रक्चर है वो जो मेंटेन होता है वो किस वजह से होता है, वो हाइड्रोजन की वजह से होता है। प्रोटीन्स नॉर्मली क्या करती हैं, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन्स होती किधर है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मसल्स हैं दैट इज़ प्रोटीन, हमारे हेयर, इनके अंदर जो सी है प्रोटीन होती है, और हम जो फूड लेते हैं उनके अंदर ज़्यादातर प्रोटीन होती है, डिपेंड करता है फूड के ऊपर। नॉर्मली जिसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ लाइक दिस स्पायरल, इसको हम कहते हैं स्पायरल स्ट्रक्चर, एक स्प्रिंग की तरह का। अब ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है ये इसी शक्ल में रहे उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर इसको कोई चीज़ ऐसी मिले जो इसको यहाँ पर उठा के पकड़ के रखे, तो इस जगह पर जो चीज़ मौजूद होती है इनको इंटैक्ट रखने के लिए दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नॉर्मली क्या होता है प्रोटीन्स के अंदर के एक तरफ NH का कम वो होता है ग्रुप लगा हुआ, और दूसरी तरफ जो है सी डबल बॉन्ड ओ का। अब नॉर्मली जब ये कॉयल आपके पास यूं आती है तो यहाँ पर NH ग्रुप है और यहाँ पर CO ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन जो है इसके हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगी, और ये जो है यहाँ पे एक पिलर का काम करेगी कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहे। और प्रोटीन तब तक प्रोटीन है जब तक उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन्ड है। अगर स्ट्रक्चर स्पाइरल नहीं रहेगा तो प्रोटीन प्रोटीन नहीं रहेगी, और इसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में कौन चीज़ हेल्प कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ये एक आ गई इसकी इम्पोर्टेंस। अब वो प्रोटीन बनती किससे है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में दी हुई है, अमाइनो एसिड्स से बनती है। अमाइनो एसिड्स एक टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो एक ख़ास पैटर्न के साथ आपस में मिलते हैं और एक प्रोटीन जो सी आपके पास बन जाती है। ये तो था प्रोटीन्स के हवाले से। अब जो हमारा बेसिक तीन मटेरियल है, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल होता है, या जिसके ऊपर हमारी विरासत, या हमारे अंदर जो हमारे पूरे आबाओ अजदाद की एक जो चीज़ हम कहते हैं ना, इसके अंदर इंटेलिजेंस है, ये पूरी फैमिली में ट्रेट है, या सारे लोग लंबे होते हैं या ज़हीन होते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन डीएनए। डीएनए इज़ डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर हमारे जो उनसे बाप दादा से हमारे अंदर जो उनसे जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं, वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न होती है वो ये डीएनए के अंदर होती है। अब डीएनए का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो वो कुछ इस शक्ल का होता है। एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके अक्रॉस जो है आपके दो स्पायरल्स हैं जो कि घूम रहे होते हैं। एक सेंट्रल एक्सिस के दरमियान दो स्पायरल्स हैं जो कि डबल हेलिक्स, इसका स्ट्रक्चर का नाम होता है हेलिक्स। जो सिंपल एक स्ट्रक्चर होता है ना, ये वाला ज़िगज़ैग, इसको हम कहते हैं हेलिकल। अब एक हेलिक्स नहीं है, ये दो हेलिक्स हो गए हैं, दो आपस में मिल गए, एक नया स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, तो दिस इज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब जो ये हेलिकल, ये एक हेलिक्स है और ये दूसरा हेलिक्स है, इनको आपस में जो जोड़ के रखना है वो किसने रखना है, इनके दरमियान में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो मौजूद होती है। इनके जो उनसे कंपाउंड के अंदर, अगर आप उसको किसी लेवल के ऊपर जाके केमिकली स्टडी करें कि कंपाउंड कौन से होते हैं, तो इनके दरमियान इनको आपस में जोड़ के रखने के लिए यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उनकी है वो मौजूद होती है। अगर आप अपनी बुक में देखें तो बेसिकली चार तरह के ग्रुप होते हैं, सायोटीन, साइटोनिन, एडिनिन, थायमीन। तो आपकी बुक के अंदर अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसने सी ए जी टी इस तरह मेंशन किए हुए हैं। एक तरफ सी है तो दूसरी तरफ उसके जो उनसे है आपके पास जी होगा, और एक तरफ ए है तो टी है, यहाँ पे इस तरह ए टी सी जी। तो ये जो उनसी बेसिस हैं, ग्रुप हैं, ये जो केमिकल कंपाउंड हैं एडिनिन थायमिन, ये आपस में किस तरीके से अटैच हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से अटैच हैं। इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको डबल हेलिकल शक्ल देता है। अगर ये दो हेलिक्स आपस में जुड़े ही ना हो तो ये तो कभी भी इस शक्ल में नहीं रहेंगे। इनको जोड़ के रखने के लिए जो चीज़ काम कर रही है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो साबित क्या हुआ कि प्रोटीन्स और हमारा जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो हमारे पेरेंट्स से जीन्स जो उनसे हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, उनकी केमिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो उनके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो उनकी है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और आखिरी जो चीज़ है इसकी जो उनकी एप्लीकेशन के हवाले से, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज। अब पेंट, वो पेंट अगर आपके पास एक ऐसा पेंट हो जो आपने, अगर ये एक दीवार थी और आपने इसके ऊपर पेंट करना है, और आपकी दीवार जो है वो पेंट को अपने साथ चिपकाए नहीं रही, तो फिर पेंट किस काम का है? पेंट तो आपके किसी काम का नहीं है, या उसको पेंट कहना ही नहीं चाहिए अगर उसके अंदर एडहेरिंग प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। एडहेरिंग का मतलब होता है चिपकना, या किसी सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाना। तो आप अब पेंट्स को इस तरीके का बनाते हैं कि वो आपकी वो सरफेस जिसके ऊपर आपने उसको पेंट करना है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, ताकि वो उससे आसानी से उतर ना सके। तो इसी तरह आपके जितने फाइबर्स हैं, आपकी जो सिंथेटिक फाइबर्स बनती हैं, सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब है, पुराने ज़माने में तो धागा होता था वो बनता था कॉटन से, और कॉटन आती थी प्लांट से, लेकिन अब आवाम चूंकि ज़्यादा हो गई हुई है पॉपुलेशन, और अब उनकी रिक्वायरमेंट नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, तो अब हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, अब हम धागा बनाते हैं सिंथेटिकली केमिकल से। तो वो जो था धागा होता है उसका स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करें तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, धागे को धागे की शक्ल में देने के लिए, और धागे को वो मजबूती देने के लिए कि वो कपड़ा बना सके। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारे इर्द गिर्द हमारी लाइफ में हर जगह इक्वली इंपॉर्टेंस रखती है, और बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था रिलेटेड टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि आपके पास हाइड्रोजन होनी चाहिए और उसके साथ कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होना चाहिए, और उस तरह उसके ऊपर पोलर पोल्स बन जाएंगे, और वो पोल जो उनसे हैं अपनी सराउंडिंग में मौजूद किसी जो उनसी है आप हाइड्रोजन, और वो जो उनसे अपने सराउंडिंग में मौजूद मॉलिक्यूल्स के साथ
अटैच हो जाएगा। फिर हमने इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज देखी कि जितने हाइड्रोजन बाउंड ज़्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। और एंड पे हमने इसकी एप्लीकेशन देखी कि प्रोटीन्स, डीएनए, डिटर्जेंट्स और हमारे पास जितने भी पेंट्स और टेक्सटाइल और हमारे फाइबर्स आ रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं सिंथेटिक, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इस्तेमाल है। तो ये एक मेजर प्रॉपर्टी है लिक्विड्स के अंदर जो कि इफ़ेक्ट करती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टीज़ को। एक मेजर एजेंसी है, ये फोर्स है कि जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो आम चीज़ों से हट के थोड़ा बिहेव करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो ये यहाँ पे हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो स्टडी करेंगे वो होगा फर्दर उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स की, कि वेपोरेशन क्या होती है और उससे रिलेटेड। तो हमारा ये आज का टॉपिक था हाइड्रोजन बॉन्डिंग।